वरना का जो है एलर्ज लगे हुए जम स्टार्टर से। मैंने ना पूरा तेल खत्म कर दिया। प्रोजेक्टर कहाँ पे लगाया गया है देखो, कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है। अभी ड्राइविड होकर के जाऊंगा कैसे मैं। As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you. ये देखो भाई, सेकंड गियर पे गाड़ी है, मेरा एक्सीलेटर फुल दबा हुआ है, गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा है। जिसका गाड़ी है उसका तो पूरा लॉस। आज है आपका 9 तारीख एंड टाइम हो रहा है दोपहर के 12:11। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक गाड़ी पिक करने। मेरे पास सीरीज भी नहीं है, स्टीम निकाल नहीं सकते, गेट टूटा हुआ है, तो गाड़ी लगेगा। एक गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ, इसीलिए ऑटो ऑटो में जाएंगे भाई। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद इसमें चल रहा था कोई लोग गेस्ट कर पाएंगे। हाँ अच्छा लगा। एंड बेहला है वो वरना उठाने, मैं चाहता था तो ऑडी ले सकता था, मर्सिडीज भी ले सकता था, लेकिन क्या है कि ईजी चलाएगा गाड़ी एंड ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ दैट मच ऑफ ऑटोमेटिक। तो एंड बहुत दूर जाना है पापा, तो इसीलिए मैं वरना ले रहा हूँ, क्योंकि मैनुअल है, अच्छे से चल जाएगी, बढ़िया है। तो ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर बोझ नहीं रहेगा कि मैं नहीं रहूँगा तो गाड़ी का कुछ ना, मेरा नहीं ऑफकोर्स, दूसरे का गाड़ी है तो संभाल के चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं वरना ले रहा हूँ। गुरु जी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मैनुअल कार, तो दैट्स व्हाई गुरु जी चलाएगा, मैं नहीं रहूँगा, पापा पीछे बैठेगा, दैट्स व्हाई। दैट्स नहीं तो ऑडी ले सकता था आराम से। सो व्हाट द वरना, अभी सिविक स्टार्ट होगा भाई, जंप स्टार्टर से। फाइनली जो है स्टार्ट हुई बहुत दिनों बाद। बैटरी फुल डाउन है भाई, तो वह सिविक हो गई है स्टार्ट। आज फाइनली वो काम पे चली जाएगी, फाइनली। ठीक है, क्या काम हो रहा है, बम्पर रिपेंट हो रहा है सामने वाला, प्रॉपरली जो है इंस्टॉल हो रहा है, स्क्रू से नहीं, ठीक है, क्लिप क्लिप से लगेगा। एंड उसका जो है एलॉयज एंड उसका ब्रेक कैलिपर्स जो है पेंट होगा। सो या लेट्स इट गो एंड वो गाड़ी चलाया जाएगा। मैं अभी वरना चला रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ उड़ान ऑन व्हील्स पे, उसके पहले इसमें फ्यूल अप करेंगे, देन शाम को जो है चाणका दुकान में भी जाना है, क्योंकि जो है वो स्टीम बन चुका है जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, वीडियो आ चुका होगा, वीडियो बना लिया होगा। तो यस, चाणा की दुकान पे जाएंगे शाम को। एंड अभी के लिए उड़ान ऑन व्हील्स के बहुत सारे गाड़ियाँ चलाना है, बहुत सारी गाड़ियों का वीडियो बनाना है, ओवरव्यू, रील्स एंड सब कुछ। अभी के लिए वरना ओपन। तो वरना लेके मैं आया था चाणा के दुकान पे, आप लोगों ने देखा है 5 गाड़ियों का शूट मैंने निपटा है आज। एंड हियर इज द स्टीम, ऑलमोस्ट डन, अभी सिर्फ इसमें टिंट का काम बाकी है, टिंट हो जाएगा, गाड़ी बिल्कुल रेडी। एंड उधर पे एक थार का भी काम हो रहा है जिसका कंटेंट जल्दी आएगा, एंड इसका भी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी जल्दी आएगा। सेंटर लॉक लग चुका है देखो, एंड एक झलक दिखाओ, पीछे देख सकते हो क्या क्या लगा हुआ है, एंड एक झलक मैं दिखा देता हूँ इसमें, बाकी बाद में दिखाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट डे, सैटरडे वाला दिन है, टाइम दोपहर के हो रहा है 2:00। एंड अभी धरना लेके जाने का प्लान था लेकिन बारिश हो रहा है तो वरना लेके जा रहा हूँ। पहले तो शुभम के घर जाना है, तो उसे फ्रॉन्क्स उठाना है, एंड देन जाना है वन ऑटो सर्विस सेंटर पे, क्योंकि गाड़ी में दिक्कत आ रहा है एंड वो लोग है नहीं। तो वरना छोड़ दिया इधर पे शुभम के घर के सामने, एंड वो वाला फ्रॉन्क्स लेके निकलूंगा। देखो भाई गाड़ी का प्रॉब्लम, टोटल बॉडी पूरा गया है, लग रहा है पूरा कांप रहा है गाड़ी, था था था। फुल टैंक तेल, मुझे जाना है वन ऑटो।
ये देखो भाई सेकंड गियर पे गाड़ी है, मेरा एक्सीलेटर फुल दबा हुआ है, गाड़ी आगे ही नहीं जा रहा है, 20 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। थर्ड गियर दूंगा तो झटका लेके सेम 20 के ऊपर नहीं जा रहा, फुल एक्सीलेटर दिया हुआ है गाड़ी, 20 के स्पीड से मुझे जाना पड़ेगा भाई। क्या इशू है पता नहीं, फुलिंग में ही कोई इशू होगा, बंदे ने फुल टैंक किया था उसके बाद से ये हो रहा है। भाई साहब गूगल मैप रास्ता दिखाया, देखो सर्विस सेंटर है या क्या है भाई, ये देखो कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है। अभी जयपुर करके जाऊँगा कैसे, मेरे को गाड़ी छोड़ना पड़ा तो रैपिडो भी नहीं आएगा। भाई साहब गाड़ी देखे चलाया, टंकी उतरेगा उसका, पेट्रोल पूरा ड्रेन आउट होगा, टंकी क्लीन होगा, फिर नया तेल डलेगा उसमें, जिसका गाड़ी उसका तो पूरा लॉस। वरना पे आ चुके हैं कि इतना ऑफ रोड करके स्कूटी में, ठीक है अभी थोड़ा काम है ऑटो स्पीड में, देखते हैं वो कुछ करते हैं या नहीं, पहले तो स्वास्थ्य आ रही है उसको पिकअप करते हैं गाड़ी से। सब सारा काम खत्म है, ऑटो स्पीड भी गए थे, अभी चश्मा होता था क्योंकि फॉग जम चुका है, एंड ऑटो स्पीड भी गए थे, शूट भी कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। एंड ये वर्ना देखिए मैं आज खर्च हो गया 1.6 पेट्रोल भाई देखे, एंड इसमें न्यू वर्ना का जो है अलॉयज लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू वर्ना, पीछे ताइवान सेटअप में टेल लैंप्स लगे हुए हैं विद एलईडी रिफ्लेक्टर्स, वाइट लाइट्स, पूरा जेट ब्लैक शीशे, डोंट मतलब ये अलाउड नहीं वैसे मत करो। एंड IPS प्रोजेक्टर कहाँ पर लगाया गया है देखो, एंड ये ट्रिपल कलर है, वार्म वाइट है, नॉर्मल वाइट है, एंड देन येलो है, एंड ये वाला जो है हेडलाइट सेटअप है कुछ ऐसा ताइवान सेटअप, इसमें पूरा आपका प्रोजेक्टर भी है, बहुत अच्छे से लाइट ब्राइट लाइट है, सामने में भी जेट ब्लैक है, तो जेट ब्लैक से भी बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट है, ठीक है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। एम्बिएंट लाइट नहीं लगा हुआ इसमें, एंड ये लाइट सेटअप, अभी तो फॉग लैम्प जल रहा है येलो में, ये हो गया आपका वाइट, ये हो गया आपका वार्म वाइट, ठीक है ये वार्म वाइट है, ये वाइट है, एंड ये हेडलैम्प से भाई बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो घर चलते हैं, पापा निकलेगा कल इसको लेके, तो इस ब्लॉग को इधर से एंड करते हैं। तो गाइस एंजॉय टुडेज ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन, हाय गाइस लाइक जला देता हूँ, ठीक है चश्मा पहन लेते हैं चश्मा, अच्छा जलने दो। बहुत रैंडम बहुत रॉ ब्लॉग था, इफ यू गाइस एंजॉय टुडेज मिमिक्री कर रहा है गाइस। तो कल ये गाड़ी लेके गुरुजी जाएंगे पापा के साथ, एंड मैंने ना पूरा तेल खत्म कर दिया चिंदी चीज़ें। So if you guys enjoyed today's vlog for whatsoever reason, do hit the like button, subscribe to my channel, turn the notification bells on, follow me on Instagram @RedNewValley.Usernay404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. Bye bye. Wanna wake up if you're not